हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप के अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मंदीप कोदारा सर पे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आपके बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनिमल किंगडम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनिमल किंगडम। जंतु वर्गीकरण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एनिमल किंगडम, जंतु वर्गीकरण, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी पेचीदा सा टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में बड़ी दिक्कत होती है समझने में। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से इसके बारे में बात करेंगे कि क्या हुआ, किस तरह से जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक बात है जी। चलिए, तो सबसे पहले बात करें प्यारे बच्चों हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन की। हिस्ट्री में जब जाते हैं तो बात आती है 1735 की। 1735 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था कार्ल स्लीनियस। 1735 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था कार्ल स्लीनियस। कार्ल स्लीनियस, और कार्ल स्लीनियस ने सबसे पहले जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनको सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले इन्होंने दो भागों में इनको बांटा, जिसको हम लोग टू किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। 1735 में कार्ल स्लीनियस, और उसी के अकॉर्डिंग कार्ल स्लीनियस को टैक्सोनॉमी का जनक भी माना जाता है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होती है प्यारे बच्चों? टैक्सोनॉमी होती है जंतुओं का अध्ययन करना, मतलब उनका जो जंतुओं का जो वर्गीकरण है, जंतु जगत जो है ना, किंगडम जो है, जंतु जगत का यानी कि एनिमल किंगडम का जो अध्ययन करता है उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? टैक्सोनॉमी। और बात आती है टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, तो हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? तो कार्ल स्लीनस। कार्ल स्लीनस को टैक्सोनॉमी का फादर माना जाता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा वन डे कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो कार्ल स्लीनस ने क्या किया, 1735 में जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी हमारे जीव थे, उनका क्लासिफिकेशन किया, और इन्होंने कितने भागों में बांटा, इन्होंने इसका टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने इनको दो भागों में बांटा, और इन्होंने दो भागों में किस किस में बांटा, तो प्यारे बच्चे एक एनिमल, एक इन्होंने कहा कि एनिमल कुछ जीव ऐसे हैं जो एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो जंतुओं की कैटेगरी में आते हैं, और इन्होंने कहा बाकी बचे हुए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि पेड़ पौधों की कैटेगरी में आते हैं। तो इन्होंने अपना टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब कुछ समय तक हम लोग इसी को मानते चले गए, इसी को मानते चले गए, लेकिन चलते चलते बात आती है 1866 की। 1886 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका काफी नाम है, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल साहब ने हमें 1866 में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया प्यारे बच्चों? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि तीन जगत वर्गीकरण के बारे में बताया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इन्होंने हमें तीन किंगडम क्लासिफिकेशन बताया। जो भी अपने जंतु हैं उनको उन्होंने तीन भागों में बांटा, और तीन भाग कौन कौन से थे प्यारे बच्चों? तो इन्होंने तीन भागों में बांटा, वो तीन पार्ट कौन कौन से थे? नंबर वन पे इन्होंने कहा कि कुछ हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एनिमल्स हैं, यानी कि जो जंतु हैं। नंबर दो पे इन्होंने कहा कि कुछ है जो प्लांट्स हैं, कुछ है जो प्लांट्स हैं यानी कि वनस्पति हैं, और उसके अलावा तीसरा इन्होंने एक नया एक क्लासिफिकेशन दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोटिस्टा। तीसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर बांट दिया। ठीक है, तो अब इन्होंने तीन भागों में विभाजित कर दिया प्यारे बच्चों, एनिमल, प्लांट और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को ना हिंदी में प्रोटिस्टा के नाम से ही जानते हैं, तो ये कंफ्यूज ना हो कि हिंदी में क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं बेटा तीन जगत वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? तीन जगत वर्गीकरण, तीन जगत वर्गीकरण हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको बोल देंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो किसने दिया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन? तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो कार्ल स्लीनस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विजगत वर्गीकरण। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विजगत वर्गीकरण, इन्होंने दो भागों में बांटा, और जो कार्ल स्लीनस साहब थे उन्होंने तीन भागों में बांटा। बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे जैसे नई नई चीजें आते जाते हैं, नए नए रिसर्च होते जाते हैं, तो नई नई चीजें आते आते बात आई 1969 की, 1969 की। तो 1969 में एक वैज्ञानिक है आर एच विटेकर साहब, है ना, काफी बच्चों ने नाम सुना होगा आर एच विटेकर।
आर एच विटेकर साहब ने क्या किया, इन्होंने अपने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी हमारे सजीव यानी कि जीसीबी के अंदर भी जीवन है, जितने भी जीव हैं, इन सभी जीवों को इन्होंने पांच भागों में बांटा। किसने? आर एच विटेकर साहब ने। और आर एच विटेकर को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, पांच जगत वर्गीकरण, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, पांच जगत वर्गीकरण का पिता माना जाता है। किसको? आर एच विटेकर को। तो आर एच विटेकर ने, आर एच विटेकर ने क्या किया, आर एच विटेकर ने 1969 के अंदर, 1969 के अंदर हमें दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोग आसानी से इसको याद रख सकें, ठीक है। और अगर आपको इस तरह की कोई और जानकारी चाहिए, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको डाउनलोड कर लें। वहां पर मैं इनसे रिलेटेड पीडीएफ वगैरह भी डालता रहता हूँ, ठीक है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, पांच जगत वर्गीकरण इन्होंने जो दिया हमें, पांच जगत वर्गीकरण, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पांच जगत वर्गीकरण के अंदर इन्होंने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको पांच भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा प्यारे बच्चों? इन्होंने पांच भागों में बांटा। और वो पांच भाग कौन कौन से थे? तो इन्होंने प्यारे बच्चों बांटा पांच भागों में। उनमें से क्या थे? एनिमल यानी कि जीव जंतु, उसके बाद थे अपने प्लांट्स, पेड़ पौधे, जीव जंतु, एनिमल, प्लांट, पेड़ पौधे, तीसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, चौथा प्यारे बच्चों मोनेरा, मोनेरा, और इन्होंने पांचवा फंजाई, फंजाई यानी कि फंगस, कवक। तो इन्होंने पांच भागों में बांटा। मोनेरा को प्यारे बच्चों आप हिंदी हिंदी में भी मोनेरा लिखेंगे, इंग्लिश में भी मोनेरा लिखेंगे, प्रोटिस्टा को आप लोग प्रोटिस्टा ही लिखेंगे, हाँ या ना, प्रोटिस्टा। प्लांट वनस्पति, और एनिमल तो आप लोग जानते ही हैं, जंतु। तो अभी जो हम फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। फिलहाल हम जो जितने भी जीव जंतु हैं अपने, या जितने भी जीव हैं, चाहे उसके अंदर पेड़ पौधे हो, वनस्पति हो, सब इनको हम लोग पांच भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पांच भाग कौन कौन से हैं एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं, एनिमल, जीव जंतु, प्लांट्स, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, ठीक है जी। ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आज के समय में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन हमारा तो टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ एनिमल किंगडम, जंतु जगत। फिर कभी हम प्लांट किंगडम की भी बात करेंगे, हम लोग उसके बाद प्रोटिस्टा मोनेरा की भी बात करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है बेटा, आपकी अगर डिमांड हुई तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, और मैं कंटिन्यूअसली वीडियो बनाऊंगा इनके ऊपर, ठीक है। तो आप लोग साथ रहेंगे तो सब कुछ सही होगा। तो चलिए मेरे बच्चों, हम लोग एनिमल किंगडम की बात करते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें कहाँ से हुई, ये अभी तक की जो चल रही थी प्यारे बच्चों, ये हिस्ट्री चल रही थी कि आखिर कैसे कैसे जंतुओं का वर्गीकरण होता चला गया। अब जो बात करते हैं प्यारे बच्चों, वो हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, ठीक है। एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत, एनिमल किंगडम जंतु जगत यानी कि हमारे जो एनिमल्स हैं, हम भी तो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। एनिमल किंगडम जंतु जगत, एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम के अंदर प्यारे बच्चों जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी को दो भागों में बांटा जाता है। किस भागों में? दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग होता है बेटा कोर्डेटा, क्या है? कोर्डेटा। और दूसरा पार्ट है मेरे बच्चों नॉन कोर्डेटा, क्या है? कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा। क्या है गुरुजी नॉन कोर्डेटा? कोर्डेटा पहली बार सुन रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं। इनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स, जो कोर्डेटा होते हैं इन्हीं का दूसरा नाम है प्यारे बच्चों वर्टिब्रेट एनिमल। ये वर्टिब्रेट क्या है सर? इनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट एनिमल, हाँ या ना, इनवर्टिब्रेट एनिमल, इनवर्टिब्रेट एनिमल। क्या बात कर रहे हो सर, ये पहली बार इतने भारी भारी भरकम शब्द बता रहे हो बेटा, कुछ भी नहीं है। इनको हम बोलते हैं कशेरुकी, क्या बोलते हैं? अब समझ में आया कुछ? कशेरुकी प्राणी, ठीक है बेटा। और इनको हम बोलते हैं अकशेरुकी प्राणी, शायद अभी भी किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग अभी बात कर लेंगे अकशेरुकी प्राणी। कशेरुकी किसे कहते हैं बेटा? ऐसे प्राणी जिनके अंदर, ऐसे प्राणी जिनके अंदर कशेरुक पाए जाते हैं। कशेरुकदंत, हाँ, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, सही बता दूं आम भाषा में बेटा। ऐसे ऐसे एनिमल
जिनके अंदर बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। क्या पाई जाती है मेरे बच्चों? बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब तो ठीक है बेटा, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसको कशेरुकी प्राणी, उसको वर्टिब्रेट एनिमल और इनको कोर्डेटा भी कह सकते हैं। हाँ यार, आप समझ में आ गया? जिस तरह हम हैं, हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। सांप है, सांप कैसा प्राणी है? सांप में भी रीढ़ की हड्डी होती है बेटा। सांप भी क्या है? कोर्डेटा की कैटेगरी में आता है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों, जो ए अकोर्डेटा है, जो नॉन कोर्डेटा है, जो अकशेरुकी प्राणी है, इनके अंदर बैकबोन जो होते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, वो प्यारे बच्चों अब्सेंट होती है। इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है जी, समझ में आ गया इनके बीच में डिफरेंस? सारे क्या क्या डिफरेंस है इनके बारे में, सारी की सारी चीजें बताएंगे प्यारे बच्चों, सब की सब चीजें बताएंगे। ठीक है, अब क्या होता है देखो, हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब रीढ़ की हड्डी में क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं, बैकबोन्स जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ, इधर दोनों तरफ, सॉरी चारों तरफ नहीं, दोनों तरफ वर्टिब्रीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है मेरे बच्चों? वर्टिब्रेस। इनको वर्टिब्रल कॉलम के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में यही होती है रीढ़ की हड्डियां, ये बीच वाली जो होती है ये तो मोटी नस होती है। ठीक है, ये तो बैकबोन, ये मोटी नस होती है। ठीक है, चलिए जी, इसी कशेरुकी दंड बोलते हैं इसको, है ना। इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको नोटोकोर के नाम से जानते हैं। इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, इसके अंदर बीच में एक गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसको नोटोकोर के नाम से जानते हैं। नोटोकोर्ड होता है प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें मुलायम कलर का होता है, बाद में रिजिड हो जाता है, बाद में सख्त हो जाता है। छोटे बच्चों की आपने देखा होगा रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जब जैसे जैसे बड़े होते हैं इनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी रिजिड हो जाती है। अडल्ट के अंदर प्यारे बच्चे ये नोटोकोर्ड वर्टिब्रल कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। इस नोटोकोर्ड को अडल्ट में जाने के बाद वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अडल्ट यानी कि वह सकते, तुम और हम सब कुछ है ना। और इनके अंदर जो वर्टिब्रीज पाई जाती है इनको कशेरुकाएं बोलते हैं। ठीक है, वर्टिब्रीज इंग्लिश में इसको वर्टिब्रीज बोलते हैं, और हिंदी में प्यारे बच्चों इसको कशेरुकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कशेरुकाएं। लेकिन जो अकशेरुकी प्राणी है इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता। दे आर एवरीथिंग इज एब्सेंट, नोटोकॉर्ड इनमें नहीं होता, कुछ भी नहीं होता प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और बात पे बात करें हम लोग, जो हमारे कशेरुकी प्राणी है, वर्टिब्रेट एनिमल है, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड एनिमल है। इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। बहुत सारे डेवलप्ड का मतलब बहुत सारे इसके अंदर विकसित अंग पाए जाते हैं, इनके अंदर डेवलप्ड ऑर्गन पाए जाते हैं। जिस तरह पर प्यारे बच्चों हम लोग बात करें इनके अंदर एक पोस्ट एनल टेल्स होती है, पूंछ भी इनके अंदर पाई जाती है। इनके अंदर पोस्ट एनल टेल नहीं होती, पूंछ नहीं होती। जो वर्टिब्रेट एनिमल है इनके अंदर पूंछ, आपके अंदर भी पूंछ है। वो तो धीरे धीरे भैया डार्विन का सिद्धांत पढ़ा होगा आप लोगों ने, डार्विन वाद है ना, पढ़ा है कि नहीं? सॉरी, लेमार्क वाद, लेमार्क, सॉरी डार्विन गलत कह दिया, लेमार्क वाद। लेमार्क वाद ने क्या कहा था? लेमार्क, लेमार्क एक साइंटिस्ट थे, हेरेडिटी और इवोल्यूशन पढ़ोगे तब पता चलेगा। लेमार्क ने कहा था कि जिस अंग का ऑर्गन का हम लोग यूज नहीं करेंगे वो धीरे धीरे ऑर्गन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपकी पूंछ समाप्त हो गई, लेकिन पूंछ तो थी, है ना, पुराने जमाने में थी। बाकी जितने भी एनिमल देख लो बेटा, सभी के अंदर पूंछ होती है, तो पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। दूसरा प्यारे बच्चों, हमारे अंदर क्या होता है? हार्ट, हार्ट होता है। ठीक है, आगे की तरफ हार्ट होता है हमारा। इनके अंदर ऐसा कुछ चीजें नहीं पाई जाती। अब प्यारे बच्चों हम थोड़ा सा और आगे ही बात कर लेते हैं। एक और स्पेशल खास बात इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो अपने वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं इनके अंदर। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं जीवन की, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि गुरुजी जीवन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से कौन कौन से एनिमल आए, तो बेटा जीवन की बात करते हैं, थोड़ी सी चीजों के बारे में बात करते हैं, है ना। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं। देखिए भाई, मेरा मकसद होता है हर चीज को आसान तरीके से समझाऊं, हर चीज के पीछे का रीजन मैं आपको बताऊं, तो आप लोग धीरे धीरे सारी चीजों को आसान भाषा में समझ सकेंगे। और हमारा मकसद ये होता है कि साइंस को आसान भाषा में समझाया जा सके। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले पुराने समय की जब बात करते हैं, तो जो जीव जंतु है, जो भी आज के समय में जो एनिमल्स हैं, तो सबसे पहले जीवन कहाँ पर आया होगा? तो सारे लोग जानते हैं सबसे पहले जीवन कहाँ आया था। तो सबसे पहले जीवन आया था बेटा जल में, इसीलिए तो कहते हैं जल ही जीवन है ना। तो सबसे पहले जीव की उत्पत्ति हुई बेटा वो जल के अंदर हुई। किसमें हुई? जल के अंदर हुई। और जल के अंदर कौन आया बेटा? सबसे पहले मछलियां आई, फिश, मछलियां आई, है ना। तो मछलियों की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। मछलियों की उत्पत्ति क्या हुई थी? सबसे पहले हुई थी। उसके बाद मछलियों से जैसे ही आगे बढ़े, तो कुछ मछलियां पानी से बाहर आ गई, कुछ मछलियां पानी से बाहर भी आने लगी। तो धीरे धीरे वो वहां पर, उन्हें अडेप्टेशन हो गया वहां के एनवायरमेंट का, पानी से बाहर रहने की भी उनको थोड़ी थोड़ी आदत हो गई। तो धीरे 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 जो इवोल्यूशन हुआ, जो फिश से नए जानवर बनने स्टार्ट हो गए प्यारे बच्चों, और मछलियों से फिर क्या बने? मछलियों से बने मेरे बच्चों एम्फीबियंस।
कौन बने प्यारे बच्चों? एम्फीबियंस। ठीक है, मछलियों से कौन बने मेरे भाई? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, एम्फीबियंस हिंदी में इसको बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उभयचर बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन से एनिमल होते हैं? एम्फीबियंस वो एनिमल होते हैं प्यारे बच्चों जो पानी में भी रहते हैं और प्लस जमीन पर भी रहते हैं, है ना। तो हुआ क्या, सबसे पहले क्या बना था? सबसे पहले फिश बनी थी, मछली बनी थी। तो हमारे अंदर वो जो है ना, आपके अंदर जो मन में भ्रम पैदा हुआ है कि हम बंदरों से पैदा हुए, वो थ्योरी थोड़ी सी यहाँ पर गलत पैदा हो रही है ना। क्योंकि सबसे पहले मछली बनी थी, सबसे पहले कोई भी जीव बना वो मछलियों से ही बना, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति मेरे बच्चों कहाँ से होती है? पानी से ही होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ मछलियां बाहर आके रहने लगी और वो एम्फीबियंस बन गए, हाँ या ना। उसके बाद कुछ जो एम्फीबियंस थे वो अपने रेंग के चलने लगे। क्या चलने लगे बेटा? रेंग के चलने लगे। और रेंगने वाले जानवरों को हम लोग बोलते हैं रेप्टाइल्स। और उसके बाद जन्म होता है प्यारे बच्चों रेप्टाइल्स का। किसका? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को बोलते हैं मेरे लाड लो सरीसृप। क्या बोलते हैं? सरीसृप। मैं बेटा एक एक चीज आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी कंटिन्यूसली अपने वीडियोज आया करेगी, अभी मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ काम से, तो लगातार आपके पास वीडियो आती रहेगी। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बाकी बच्चों के पास भी शेयर करना। रेप्टाइल्स जिनको सरीसृप के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या हुआ? उसके बाद थोड़ा सा और इवोल्यूशन हुआ, और थोड़ा सा और इवोल्यूशन हुआ तो हमारे क्या बने बच्चे? एब्स बने। कौन बने? एब्स। एब्स क्या होते हैं जानते हो? एब्स। एब्स यानी कि पक्षी, बर्ड्स। और बेटा पक्षियों से फिर आगे और इवोल्यूशन हुआ तो हम बने मैमल, है ना। हम बने मैमल्स। मैमल्स किसे बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो स्तनपाई। स्तनपाई मैमल्स बने। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा क्या चलता रहा? इस तरह से हमारा इवोल्यूशन हुआ। ठीक है भाई, समझ में आया? तो सबसे पहले आई थिंक भाई साहब इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, गारंटी नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, इतना आसान तरीके से। सबसे पहले क्या हुआ मेरे बच्चों? सबसे पहले मछलियां बनी। सबसे पहले क्या बनी? सबसे पहले मछलियां बनी, क्योंकि जल में ही जीवन की उत्पत्ति हुई। जल ही जीवन है, बोलो सारा नाम। सबसे पहले मछलियां बनी, उसके बाद एम्फीबियंस बने, उभयचर बने, उसके बाद सरीसृप रेप्टाइल्स बने, उसके बाद एव्स पक्षी बने, और उसके बाद स्तनपाई मैमल्स बने। ठीक है, और बेटा ये जो जितने भी एनिमल्स हैं, ये जितने भी एनिमल्स धीरे धीरे जो इवोल्यूशन हुआ, इनके अंदर प्यारे बच्चों सभी ऑर्गन्स अपने आप में अलग अलग है। ठीक है, इनके अंदर सभी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं अपने आप है। जिस तरह हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम लोग लेते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, कि श्वास लेने वाला अंग कौन कौन सा है। यहाँ से प्रश्न बेटा सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी की बात करें या एचएसएससी की बात करें या किसी एग्जामिनेशन की बात करें। पहले पारे में बात करते हैं बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन अंग जो होता है इनका, श्वास लेने वाला अंग कौन सा होता है। तो मछलियां अपने श्वास कहाँ से लेती है प्यारे बच्चों? कहाँ से लेती है बता दो? बता दो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है इसका? तो मछलियों का बेटा गिल्स होता है, गलफड़े होते हैं, आप लोग जानते हैं गिल्स, गलफड़े। और बेटा जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना, हम मनुष्य जब हम माँ के पेट में होते हैं, भ्रूण में होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्टिंग, है ना, लगभग जब पहला दूसरा तीसरा महीना जब सांस लेना शुरू करते हैं तो हम भी गलफड़ों से ही सांस लेते हैं, हमारे अंदर भी गिल्स ही होते हैं, पता है तुम्हें? सभी सभी एनिमल्स के अंदर गिल्स होते हैं स्टार्टिंग में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। लेकिन धीरे धीरे जब सातवां आठवां महीना आने लग जाता है, वो जो लंग्स है, वो लंग्स जो है बेटा वो किसमें कन्वर्ट होने लग जाते हैं? वो लंग्स धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाते हैं किसके अंदर प्यारे बच्चों? फेफड़ों के अंदर, सॉरी गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं। ठीक है, लंग्स नहीं होते, गलफड़े होते हैं, सॉरी गलत हो गया ना, गिल्स, गलफड़े बोलते हैं इनको, है ना। क्या बोलते हैं? गलफड़े। जो पानी के अंदर सांस लेते हैं वो गलफड़ों से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा जो एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस उभयचर, जो पानी में भी रहते हैं बाहर भी रहते हैं। मेंढक, मेंढक क्या? मेंढक पानी में भी रहता है बाहर भी रहता है। तो बेटा इनके पास सांस लेने के लिए ना, इनके पास सांस लेने के लिए सारी की सारी चीजें होती है। इनके पास गिल्स भी होते हैं, गलफड़े भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं, इनके साथ लंग्स भी होते हैं, तुम्हें पता है, फेफड़ों से भी सांस ले सकते हैं। और बेटा इनके पास स्किन, त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। आपने सुना होगा ना मेंढक, मेंढक किससे सांस ले सकता है? मेंढक अपनी त्वचा से भी सांस ले सकता है, जब मिट्टी में रहता है तो अपनी स्किन से सांस लेता है। तो इनके पास प्यारे बच्चों सारी की सारी चीजें होती है, तीनों चीजें होती है, गलफड़े भी होते हैं, फेफड़े भी होते हैं और त्वचा भी होती है, तीनों चीजों से सांस ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोग रेप्टाइल्स की बात करते हैं, तो आगे आने वाले जितने भी सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी सभी किससे सांस लेते हैं प्यारे बच्चों? सभी लंग्स से लेते हैं। सभी किससे लेते हैं? तो फेफड़ों से लेते हैं, है ना। तो आपकी कंफ्यूजन दूर हुई इस एक पॉइंट को लेकर के, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को लेकर के। बोलो हाँ, क्लियर हुआ मेरे भाई? बोलो हाँ, बोल दो। चलिए बेटा, उसके बाद बेटा यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है हार्ट को लेकर के, है ना, हार्ट, हृदय।
दिल धड़के, है ना, वही वाला दिल। हार्ट को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से डायरेक्टली। हार्ट भाई कितने चैम्बर का होता है? हार्ट के अंदर अलग अलग चैम्बर होते हैं, ओरिकल एट्रियम होता है, वेंट्रिकल होता है, निलय होता है, आलिंद होता है, ऊपर वाला भाग आलिंद, नीचे वाला निलय, ठीक है। कभी समझे नहीं हार्ट के बारे में, बात बातें हैं बहुत सारी। बायोलॉजी साइंस के अंदर इतने सारे फैक्टर, मेरा हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं, हर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, बात करते हैं हार्ट्स की। तो पूछा जाता है कि मछली का हार्ट होता है, उसके अंदर दो चैम्बर होते हैं। अपने हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर होते हैं ना, उसी तरह से मछली के हार्ट में कितने होते हैं बेटा? दो चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये गिल से सांस लेती है और इनके पास कितने चैम्बर होते हैं? दो चैम्बर होते हैं प्यारे बच्चे। उसके बाद जैसे ही आगे जाते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के पास कितने होते हैं बेटा? तीन चैम्बर होते हैं, दो नहीं होते प्यारे बच्चों, सॉरी, तीन चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर का हार्ट होता है? थ्री चैम्बर्स का हार्ट होता है ना। कितने चैम्बर का? थ्री चैम्बर्स का हार्ट होता है। इनके अंदर तीन चैम्बर्स होते हैं। जिस तरह बात करूं मैं मेंढक, मेंढक के अंदर क्या होता है? तीन चैम्बर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मछलियां, लिजार्ड्स वगैरह सब रेप्टाइल्स, सरीसृप, इनकी बात करें तो बेटा इनमें भी थ्री चैम्बर होते हैं, तीन चैम्बर होते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर कुछ अपवाद है, जिस तरह हम लोग बात करें क्रोकोडाइल की, हम लोग बात करें हम मगरमच्छ की, मगरमच्छ के अंदर चार चैम्बर पाए जाते हैं, है ना, क्रोकोडाइल्स, ये यहाँ पर अपवाद है ना। अब मछली की बात करें, डोल्फिन है, डोल्फिन, उसको मछली की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, उसको हम मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं डोल्फिन को, क्योंकि उसके अंदर चार चैम्बर हर्ट होता है ना, चार चैम्बर। उसके बाद बेटा जितने भी आगे एब्स है और ये है, इन सभी के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? चार कक्ष पाए जाते हैं, चार चैम्बर हर्ट के पाए जाते हैं, क्लियर है। अब बेटा चार चैम्बर किस किस के अंदर होते हैं? तो मैमल्स के अंदर चार चैम्बर होते हैं, और मैमल्स की कैटेगरी में किस किस को रखते हैं बेटा? ह्यूमन, मनुष्य तो होता ही होता है, मनुष्य, मानव, ह्यूमन यानी कि मानव, मानव के अंदर चार चैम्बर पाए जाते हैं, तो मानव भी इसी कैटेगरी में है। मानव के अलावा प्यारे बच्चों डोल्फिन, वैसे तो कहने को तो डोल्फिन पानी में रहती है, मछली है, लेकिन डोल्फिन में भी चार चैम्बर पाए जाते हैं। डोल्फिन के अलावा प्यारे बच्चों एक मछली होती है सील, सुना होगा आप लोगों ने, सील फिश, है ना, सील, तो सील, इसके अंदर भी चार चैम्बर पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। सील के अलावा व्हेल, व्हेल मछली बड़ी स्तनपाई है ना, मैमल्स है व्हेल मछली, तो इनको मैमल्स क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इनके इनके हार्ट में चार चैम्बर्स होते हैं। ये मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, मछलियों की कैटेगरी में नहीं आते। कितने चैम्बर होते हैं मेरे लाडलो? चार चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसके बारे में, प्रोटोजोअन है, और भी सारी चीजें हैं, वायरस, एक्टिवा बैक्टीरियाज वगैरह जितने भी है, ठीक है, एक्टिव नॉन एक्टिव जितने भी है, सभी के बारे में बात करेंगे। तो मेरे बच्चों आज की क्लास में इतना ही, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी एनिमल किंगडम को आगे वाली क्लासेज में हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ और एनिमल्स के बारे में जानेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्यार से सीखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।